तो भाई दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, समझे ना, दोनों के बीच में नूरा कुश्ती होता ही रहता है, ये सब सब अलग बात है, लेकिन जिस आदमी के बारे में हम नहीं जानते हम बेवजह आरोप नहीं लगाते। एक कोई आसान से चुपचाप बैठने वाले लोगों में से नहीं है, ये रेड नहीं है, ये रेड नहीं है, ये इसकी मतलब जितना भी कह सकते हैं प्रतिशोध की ये प्रकाश है। इनकी संवैधानिकता का हमें सम्मान है, लेकिन इनकी जो गतिविधि अभी के दिनों में की है वो एक पार्टी के और एक सरकार के मंशा को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। पॉलिटिकल वेंडेटा के तरह इस तरह की छापेमारियाँ मायावती से लेकर और मुलायम सिंह तक को डराने की कोशिश की गई कि लालू प्रसाद यादव को, उनके परिवार को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को टॉर्चर किया जा रहा है। जो जनता के साथ खड़े रहेंगे, जो वाजिब सवाल उठाएंगे, उनको ये लोग टॉर्चर, अपने जो भारत सरकार की एजेंसी उसका दुरुपयोग है, इसलिए हम कहेंगे CBI मुर्दाबाद भारत सरकार। लगातार राजस्व प्रेमियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी जारी है, उसी करीब 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर भी जो है CBI की छापेमारी जारी है। पूरा मामला है 2004 से 2009 के बीच में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे थे, जिस दौरान RRB घोटाला और रेलवे होटल टेंडर को लेकर जो मामला था उसको लेकर जो छापेमारी है CBI की जारी है। और उसके बाद जो तस्वीर है राबड़ी आवास के बाहर, किस तरीके से राजद के तमाम कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो वो यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे साफ तौर पे जो है CBI के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकिन इन सभी से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह हो सकती है जो इस तरीके से छापेमारी की जा रही है। आखिर पुराना मामला है, क्यों छापेमारी की जा रही है? जब ये पुराने मामले में बार बार छापेमारी केंद्र सरकार करवा रही है, इसमें प्रधानमंत्री जी का हाथ है, और इसलिए कर रहे हैं कि जैसे इनकी नज़दीकियाँ चाचा से बढ़ी तो इनको लगा कि मेरा सत्ता कहीं खिसक ना जाए, कहीं ये सत्ता से हम लोग हट ना जाए। इसी साजिश के तहत जब ये कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं इंग्लैंड, तो इस तरह से साजिश करके CBI का छापा मार के ये हड़काना चाह रही है और आवाज़ को दबाना चाह रही है। आवाज़ दबाने की कोशिश से मैडम ये बताया कि जिस तरीके से पुराने मामलों को लेके जो जांच की जा रही, छापेमारी की जा रही, एक साथ 15 ठिकानों पे वो भी, ऐसे में क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाह रही है सर? ये कई बार 15 ठिकानों पर नहीं, आपको याद होगी कि 22 ठिकानों पर भी इन्होंने जाँच की है, कभी 125 ठिकानों पर छापामारी की है, तो क्या निकला? कुछ नहीं निकला। इन्होंने जो सिरा बवा होता उसको भी कोर करके, घर को कोर करके देखे, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे आदरणीय नेता हमेशा गरीब गुरबा का जुबान है, ताकत है, और उनके सवाल पर कभी इन लोगों से समझौता, सांप्रदायिकता से उन आताइयों से कभी समझौता करने का काम नहीं किया जो देश तोरक पार्टी आज केंद्र में स्थापित है। इसलिए जो है हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का बढ़ता हुआ कद, उगता हुआ सूरज को देख करके ये लोग जो है मूर्छित है, घबराए हुए है। ये लोग जो है नहीं चाहते हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी जातिगत जनगणना की बात करें। अगर जातिगत जनगणना हो जाएगा तो पूरे देश में कहीं भी BJP वाला नजर नहीं आएगा। तो इस सब के तहत, साजिश के तहत आज तक हमारे नेता को जेल में रखा, क्या हुआ? आदरणीय नेता ने समझौता कर लिए, नहीं किए, और कई मामले ऐसे आरोप लगाया गया उनको, जो रेलवे का मामला, जिन्होंने भारत के घाटे में चल रहे रेलवे को 98,000 करोड़ के मुनाफा में पहुंचा दिया, उनको रेलवे का जांच हो रहा है। तो ये सारा चीज जो है फर्जी है, कल भी फर्जी था, आज भी फर्जी है, भविष्य में भी रहेगा। ये लोग कल भी हारे थे, आज भी हारेंगे। जनता के सामने जो है सभी लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव को, उनके लालू प्रसाद जी की मुखर आवाज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसी पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह उसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जेल, लगातार मतलब प्रताड़ना और इस तरह की कार्रवाइयाँ और समय समय पर करके वो डराना चाहते हैं, लेकिन जनता और कार्यकर्ता बिहार की डरने वाली नहीं है उनसे। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो मौजूदा सरकार है वह राजद मुक्त बिहार चाहती है, जैसा कि आपने कहा आप लोगों को डराना चाहती है, ठीक है। इस केंद्र में कांग्रेस के जो नेता हैं पी चिदंबरम, जो गृह मंत्री रह चुके, बेटे के ठिकाने पर भी कई बार छापेमारी, तो क्या छापेमारी के दौर से ही राजनीति चलेगी देश की? CBI का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। CBI एक संस्था, संवैधानिक संस्था है, उनकी संवैधानिकता का हमें सम्मान है, लेकिन इनकी जो गतिविधि अभी के दिनों में की है वो एक पार्टी के और एक सरकार के मंशा को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है।
पॉलिटिकल वेंडेटा के तरह इस तरह की छापेमारियाँ मायावती से लेकर, मतलब मायावती से लेकर और मुलायम सिंह तक को डराने की कोशिश की गई और ममता बनर्जी तक। अब लालू जी चूँकि सबसे मुखर आवाज़ है इसलिए उनको दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन न लालू जी झुकने वाले हैं न यहाँ की जनता झुकने वाली है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अभी भी कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ विधायकों से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो स्थिति बंगाल में बनी, ममता बनर्जी ने जांच एजेंसी को ठिकाने लगा दिया, मतलब सबक सिखा दिया बंगाल में जाने के बाद, ऐसा ही होना चाहिए तभी जाके जो जांच एजेंसी सुधरेगी। तो क्या ये सही रहेगा जांच एजेंसी को ठीक करने के लिए या फिर केंद्र सरकार को डराने के लिए या फिर वापस उन्हें सबक सिखाने के लिए? यहाँ की जनता उसकी तैयारी कर चुकी है और वही होगा उसी तरह का। चलिए, तो तमाम तरह की जानकारियाँ निकल के सामने आ रही है और जो तमाम राजद के विधायक हो या फिर प्रधान महासचिव आलोक मेहता, हमने इनसे बातचीत की, तमाम जानकारियाँ दी हैं और जो स्थिति इस वक्त है आपको हम साफ तौर पे दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो है, जो नारेबाजी है केंद्र सरकार और सीबीआई के खिलाफ वो अभी जारी है, जैसे कि आपको की तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है उससे आपको हम रूबरू कराते ही रहेंगे, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से छापेमारी का दौर जारी है और अभी भी छापेमारी जारी, करीब सुबह 5:30 बजे से जो छापेमारी है वो राबड़ी आवास पर जारी है, उसके बाद जो राजद के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक, वो यहाँ पे एक कर आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे और जाँच के बाद क्या कुछ मिलता है सीबीआई को राबड़ी आवास के अंदर में, यह जानकारी आपको हम जरूर देंगे। जब तक जानकारी नहीं है तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल, अब तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और अब देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी रूपेश के साथ में सनी कुमार, पटना।